नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डी एस फोर न्यूज में। वैसे तो इन दिनों देखा जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए किसान शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से खबरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं कि कभी हिसार के अंदर प्रदर्शन करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, या फिर बीजेपी नेताओं का जो है घेराव करने के लिए जो है किसान जाते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं, उस समय भी जो है एक बड़ा प्रदर्शन सामने आ जाता है, जिसको लेकर के जो है अब खबरें लगातार चलनी शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा किसान आंदोलन पिछले 6 महीनों से ज़्यादा का समय निकल रहा है, लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है राकेश टिकैत का एक बयान अब सोशल मीडिया पर तुल करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उन्होंने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उनका वीडियो जो है वायरल हो गया। दरअसल उस वीडियो के दौरान वो ये कह रहे हैं कि अब दोबारा से जो है इस देश के अंदर चाय बेचने वाला फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। पूरा मामला क्या है आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले ही दिनों हरियाणा के टोहना में किसानों की गिरफ्तारी का मामला तुल पकड़ता नजर आया, जिसके बाद जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और शिकायत पर किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर शुक्रवार को गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने जिंद कैथल मार्ग को घंटे जाम कर रखा था और किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले पर काफी उग्र भी नजर होते हुए आए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार किसानों को हरियाणा सरकार नहीं छोड़ती है तो वो भी गिरफ्तारी देंगे, और साथ ही उन्होंने केंद्र और नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन किसान बार बार केंद्र सरकार को मैसेज देते रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जो है जब ही खत्म होगा, जब तक के 3 कृषि कानून बिल जो है वापस नहीं किया जाएगा। इसी बीच अब एक ये भी खबर आ रही है कि 5 तारीख को जो है किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कुछ खबरें सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि 5 तारीख के दिन ही, यानी कि आज के दिन ही किसान जो है जो बिल आ गया तो उसकी प्रतियां जो है वो जलाएंगे। हालांकि अब खबर जो है हम इस पे बातचीत करने वाले हैं कि क्या राकेश टिकैत जो है केंद्र की सरकार पे जो है फिर से तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है, जैसा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि सुन ले हरियाणा सरकार, कल तक अगर टोहना जिंद में गिरफ्तार किसानों को अगर रिहा नहीं करती है तो वो कल किसानों के साथ टोहने थाने में गिरफ्तारी देने आ सकते हैं, यानी कि वो गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों ही हरियाणा में खबर सामने आई थी कि कुछ प्रदर्शन के दौरान जो है किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था और कुछ किसानों को जो है गिरफ्तारी किया गया था, उसके भी उपलक्ष में जो है देखने को ये मिला कि किसानों जो है काफ़ी जोर से जो है विरोध प्रदर्शन भी किया, और कैथला थाने के पास ही एक हाईवे है जिसको उन्होंने रोका, और रोकने के बाद जो है अभी तक उन पर कोई कार्रवाई जो है नहीं हो पा रही है, किसानों को नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद राकेश टिकैत का जो है सीधा रुख जो है सामने आ रहा है। साफ तौर पर राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार अगर उनकी बातों को नहीं सुनती है, अगर उनको किसानों को नहीं छोड़ती है, तो राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ जा करके स्वयं गिरफ्तारी जो है वो दे सकते हैं। इसी बीच एक निजी चैनल से बात करते हुए राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल उस वीडियो के दौरान राकेश टिकैत ये कहते हैं कि आने वाले चुनाव में जो है सरकार को जो है बहुत चीजें जो है सहनी पड़ सकती हैं, और तंज कसते हुए कह रहे हैं कि दोबारा से इस देश के अंदर फिर से चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो फिलहाल ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं, और इस समय जो है किसानों पे नजरें जो है पूरे देश की जो है वो टिकी पड़ी है कि इस आंदोलन में जो है क्या किसान आगे करने वाले हैं। हालांकि किसान आंदोलन लगातार जारी है, अब आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहेगा हमारे साथ। इतने गडेश्वर न्यूज़, धन्यवाद।